माउंट भी चेक नहीं किया, इतना एक्साइटेड था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नसीम और स्वागत करता हूं आप सभी का आज फिर एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मेरा जो मैकबुक है वो पानी गिरने की वजह से वो खराब हो गया था, जो कि पूरी तरीके से डेड हो गया था। तो मैंने सोचा है कि आज जब तक मेरा मैकबुक नहीं मिलता है, एक डिवाइस कोई ना कोई परचेज कर लेता हूँ। तो मेरे पास में बाकी तो एप्पल के सारे प्रोडक्ट हैं, मेरे पास में iMac नहीं है। तो आज मैं अभी जाने वाला हूँ iMac को परचेज करने के लिए, जहाँ पर एक नया iMac हम लोग परचेज करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही में कैसा रहता पूरा दिन आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा सेंटर में एंट्री कर ली है। परचेस किया है जो कि ग्रीन कलर का हम लोग ने परचेस किया है, तो अभी ऑर्डर दे दिया है, आ जाता है हम इसको अनबॉक्स करेंगे। निकाले बाकी कीबोर्ड वगैरह हम सेटअप करेंगे। अरे पाँच मिनट में बड़ा लेके लगाया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
अभी एसी कोट वाला इसका बोर्ड देंगे। आईमैक हम लेकर के अपने ऑफिस में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। यहाँ पर हमने अनबॉक्सिंग वहीं पे कर ली थी क्योंकि हमें चेक करना था कि सब कुछ सही है, क्योंकि इतनी महंगा प्रोडक्ट है तो उसको हमने रिस्क नहीं लिया। तो यहाँ पर ये यूनिकॉर्न से मैंने परचेस किया है, जो कि एप्पल का थ्राइव पार्टनर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसमें कुछ बिल वगैरह उन्होंने दे रखा है, बाकी आईमैक तो हमारा इसके अंदर है। तो उसको फटाक से मैं निकाल देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हमें निकाल करने हैं। ये लेटेस्ट मॉडल है जिसमें M1 चिप जो एप्पल की वो लग करके आती है, और ये कई सारे कलर में आता है क्योंकि मैंने ग्रीन कलर चूज किया है, और इस पर लोगो भी ये एप्पल का इस तरीके से प्लेस होगा। और ये 24 इंचेस में है इस तरीके का स्क्रीन टच। तो मैं अनबॉक्स करके ही आपको दिखा देता हूँ। केबल है जिससे हम अपने कीबोर्ड वगैरह को चार्ज करेंगे माउस को, तो ये भी हम टाइट रख देते हैं। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। यूज़र मैनुअल उसी के साथ में कुछ ग्रीन एप्पल। वाओ, जिस कलर का आप कंप्यूटर खरीदोगे सेम उसी कलर का स्पीकर मिलता है, लेकिन एक ही मिला है सर, हमेशा तो मिलते आ रहे हैं। हमने कहा यूज़र मैनुअल तो जब मैं फुर्सत में हूँगा तो इसको पढ़ूँगा। तो ये तो कुछ यूज़र मैनुअल्स वगैरह हैं, इससे कलर देखो ये सेम उसी कलर में यूज़र मैनुअल भी लिख रखा है इन्होंने। और ये एप्पल के दो स्टिकर आपको मिल जाते हैं, वो तो एक लाइट है एक डार्क ग्रीन देखो। और ये हेलो, यहाँ से हम इसे अनबॉक्स करते हैं। प्रोडक्ट हो गया, क्या है ये कलर इसका देख रहे हो, कहीं डार्क लगता है कहीं ग्रीन, मतलब ये लाइट के हिसाब से आपको शेड ऐसा महसूस होगा कि लाइट है और डार्क है ना, क्योंकि है शेड एक ही जैसा। ये थोड़ा फ्रेम जो है इसको अगर ब्लैक रखता है तो अच्छा लगता है, इन्होंने वाइट कर दिया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जबकि इनके जो पुराने मॉडल हैं उन्होंने उसमें ब्लैक रखा हुआ है, इस बार इन्होंने वाइट कर दिया। ठीक है, फिर भी जो एप्पल करे उसके डिसीजन को हम गलत नहीं करा सकते, कोई अधिकार नहीं है। ये इसका पावर एडाप्टर है, कीबोर्ड बटरफ्लाई कीबोर्ड, इसमें इस बार टच आईडी भी है। ये है माउस, आप देखोगे माउस भी सेम पीसीबी कलर का है, जिस तरीके का पीसी का सेड है आप देखोगे सेम सेड उसको भी इन्होंने मैच करने की कोशिश की। यहाँ तक इसका जो केबल आप देख रहे हो, केबल का जो कलर है ये भी ग्रीन है। ठीक है, तो अभी इसको हम फाइनल ऑन करते हैं। ठीक है,